हेलो, नमस्कार दोस्तों। 24 अप्रैल 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो, कल के हमारे एडिटोरियल्स वो बाकी रह गए थे, वो सैटरडे के, तो उनको हम इस वीक में डेली एक एक डेढ़ डेढ़ एक एक या दो दो एडिटोरियल उनको यहाँ पे हम कंप्लीट है वो कर लेंगे। कुछ कारणवश हम एडिटोरियल्स वो डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो दो तीन इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स वो वहाँ पे रह गए हैं, तो उनको हम इस वीक में कवर है वो कर लेंगे डिस्कशन। सबसे पहला जो आर्टिकल आया हुआ है सेल गैस के बारे में, तो सेल गैस का जो प्रोडक्शन है वो एक्चुअली यहाँ पे जिस मेथड से किया जाता है, हाइड्रोलिक फ्रैक्शन के द्वारा, फ्रैक्शन जो प्रोसीजर है उसके द्वारा, उसके बारे में इस आर्टिकल को डिस्कस किया गया है कि इससे इंडिया को क्या तो फायदे हो सकते हैं, क्या इसका नुकसान, मतलब इसका फ्यूचर क्या है, क्या स्कोप है सेल गैस के बारे में। क्योंकि इंडिया को आपको पता है कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफी अहम हो जाता है कि इंडिया कुछ ना कुछ करे। देखो, अभी इंडिया की इकोनॉमी है, इंडिया एनर्जी सेक्टर के लिए पूरा पूरा डिपेंड है फॉरेन कंट्रीज पे। जहाँ से मान लीजिए जो सऊदी अरबिया, जो और कंट्रीज है, ओपेक ग्रुप है, वहाँ से इंडिया ऑयल का इम्पोर्ट वो करता है और उसके बाद अपनी एनर्जी की डिमांड से उनको कंप्लीट करता है। बट राइटर के द्वारा यहाँ पे जो तो दूसरा एक अल्टरनेटिव मेथड और है सेल गैस का, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे कि कन्वेंशनल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, इसके साथ ही अनकन्वेंशनल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी प्रक्रिया। देखो, जो परंपरागत होते हैं जिन्हें बोलते हैं कन्वेंशन, एक तरीके से कन्वेंशनल नेचुरल रिसोर्सेज, इनको एक्चुअली सिंपल मेथड से निकाला जाता है। जिस तरीके से जो क्रूड ऑयल वगैरह होगा, इनके लिए प्रोसीजर होती है। आपको थोड़ा एक बार मैप वगैरह से देख लेते हैं। इनके लिए से हमें कोई सिंपल ऑयल वगैरह निकालना हो, क्रूड ऑयल वगैरह या गैस वगैरह, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होती है कि हम नॉर्मल ड्रिलिंग करते हैं, हमारा नॉर्मल कुआ खोदते हैं, उसके द्वारा फिर जो ऑयल वगैरह होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये होती है कन्वेंशनल वेल वाले, जो परंपरागत जो हम रिसोर्सेज यूज करते हैं। जिस तरीके से हम वाटर वगैरह निकालते हैं तो वो एक्चुअली 150 मीटर की हाइट तक ही, मतलब 150 मीटर की जो ग्रो नीचे गहराई होती है वहाँ तक ही सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो ये तो होता है कन्वेंशनल वेल वाला मेथड। अब यहाँ पे आता है अनकन्वेंशनल जो रिसोर्सेज होते हैं, वो जैसे कि सेल गैस है वो एक्चुअली काफ़ी गहराई में पाई जाती है। ये अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो 1000 से लेकर 4000 मीटर की गहराई तक पाई जाती है, मतलब काफ़ी गहराई होगी। और इस अगर सेल गैस को हमें निकालना है ना, तो इसके लिए हमें अलग मेथड यूज़ करने होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली जैसे कि एक कुएं की फॉर्म में सीधी सेल गैस नहीं पाई जाती है। ये क्या करती है, रॉक्स के बीच में जगह जगह पाई जाती है, छेदों के जगह जगह एक तरह से होल्स बने होते हैं, वहां पे सेल गैस पाई जाती है। तो इसके लिए बहुत से अलग अलग मेथड हैं, एडवांस मेथड है, एडवांस टेक्नोलॉजी है वो यूज करनी होती है। तो अनकन्वेंशनल वे या अनकन्वेंशनल मेथड से वो यूज करने होते हैं हमें गैर परंपरागत जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं इनको बाहर निकालने के लिए। जिस तरीके से देखो होता क्या है, इसमें जो प्रोसीजर यूज की जाती है उसका नाम है हाइड्रो फ्रैक्चिंग। तो हाइड्रो फ्रैक्चिंग के बारे में जो कुछ पॉइंट्स है वो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, हाइड्रो फ्रैक्चिंग में होता क्या है, सबसे पहले तो हम एक नॉर्मल ड्रिलिंग करते हैं। नॉर्मल ड्रिलिंग होने के बाद क्या करते हैं, इसके बाद में हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है वो भी करते हैं। और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करने के बाद इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं, पानी वगैरह का प्रेशर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे यूज की जाती हैं, ताकि उसकी वजह से जो यहाँ पे रॉक्स है और उनके बीच में जो सेल गैस है ना, उसके बीच में एक तरीके से वाइब्रेशन या कंपन वगैरह कुछ भी करवा के वहाँ से उस सेल गैस को निकाला जा सके। तो इस तरीके से इसमें मेथड है वो यूज किया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि तो प्रोसीजर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि काफ़ी सारा पानी है वो चाहिए होता है बहुत लार्ज अमाउंट में। और आपको पता है कि इंडिया में पानी की ऑलरेडी काफी ज्यादा शॉर्टेज है, पीने के लिए लोगों के पास पानी नहीं है। तो इस कंडीशन में इसमें जो ये टेक्नोलॉजी है अनकन्वेंशनल वेल वाली, या फिर आप बोल सकते हो कि सेल गैस का प्रोडक्शन इंडिया में करने की बात है, इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस सामने आ जाते हैं। कुछ एक तरीके से इन्वायरमेंट ग्रुप्स हैं वो भी सामने आते हैं कि देखो भाई, इससे अगर काफ़ी सारे नुकसान वगैरह हो सकते हैं। तो वो हम एक बार मेथड है वो देखेंगे। प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बता दी कि इसमें होता क्या है, पहले एक तरीके से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जाती है, उसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग की जाती है, और इसके बाद इसमें सारे प्रोसीजर ये होती है कि इसमें एक तरीके से जो फ्रैक्चरिंग फ्यूल है, या आप बोल सकते हो कि फ्लूड है, वो डाला जाता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि पानी हुआ, रेत हुई, या फिर काफ़ी सारे केमिकल्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। उसके बाद वहाँ पे इससे ब्लास्ट टाइप का करवाया जाता है, उससे फिर जो वहाँ पे रॉक्स वगैरह हैं उनसे जो गैस है सेल गैस वो बाहर आती है, और ये प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट है वो की जाती है। अब इसके एडवांटेज वो भी थोड़े हम देख लेते हैं। देखो, एक तो एडवांटेज तो बात ऐसी है कि इंडिया में सेल गैस के काफ़ी रिसोर्सेज हैं, तो मतलब इंडिया अगर चाहे तो फ्यूचर में एनर्जी सिक्योरिटी के लिए दूसरी कंट्रीज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जैसे कि इंडिया में गुजरात में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे सेल गैस के काफ़ी बड़ी मात्रा में भंडार है वो मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए। बट इससे कुछ इन्वायरमेंट को भी लॉस होने वाला है। क्या, एक तो देखो पानी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी चाहिए। तो आपको पता है कि आज के टाइम पे सिंचाई के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी का इश्यूज हो रहा है, तो ऐसे माहौल में इतना पानी अरेंज करना इतनी बड़ी मात्रा में वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं है।
दूसरी बात यह है कि देखो कन्वेंशनल जो ये मेथड, सॉरी जो ये हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग का जो मेथड यूज किया जाता है, इसमें कई बार क्या होता है कि जब फ्रैक्चरिंग की जाती है तो आपको पता है कि वाइब्रेशन कंपन होता है, तो उसकी वजह से भूकंप वगैरह आने के खतरे हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक ये भी इश्यूज होता है। इसके बाद में दूसरा एक बात ये इश्यूज आता है कि भाई देखो जो भी हम केमिकल वगैरह यूज करेंगे जो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग है इसमें, तो अगर वो केमिकल क्या कर सकते हैं, हो सकते हैं कि वो हमारे जो ग्राउंड वाटर उसको पोल्यूटेट कर सकते हैं। और अगर आपको पता है कि अगर उन केमिकल्स ने अगर हमारे ग्राउंड वाटर को पोल्यूटेट कर दिया तो पानी के पीने की समस्या और ज्यादा गंभीर हो जाएगी। तो मतलब हमारे लिए समस्या और ज्यादा गंभीर हो सकती है। मतलब सीधी सी बात यह, राइटर का कहना है कि देखो भाई सेल गैस निकालने के लिए जो जितना रिस्क है ना वो बहुत ज्यादा है इंडिया के लिए। अगर इसका इतना नुकसान हो गया तो हमारे इसके लिए भरपाई करना बहुत मुश्किल है हो जाएगा। इसके बाद में बात की जा रही है कि देखो जो ये जब सेल गैस का प्रोडक्शन किया जाएगा तो उसमें काफी बड़ी मात्रा में मीथेन गैस है वो बाहर निकलेगी। और आपको पता है कि मीथेन गैस है वो ग्लोबल वार्मिंग गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को और हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या काफी ज्यादा गंभीर है। ये इश्यूज आ रहे हैं। इसके बाद में कुछ लीगल इश्यूज भी आ रहे हैं। लीगल इश्यूज ऐसे हो गए कि जैसे देखो अभी हमारे देश में गवर्नमेंट ये प्रावधान करने की कोशिश कर रही है कि भाई सभी लोगों को साफ पानी और साफ हवा है वो लेने का अधिकार, मतलब सभी लोग उन लोगों को साफ पानी भी मिले और साफ एयर है वो भी मिले। बट आपको पता है कि अगर ऐसे माहौल में पानी वानी गंदा हो गया, एयर पॉल्यूशन और बढ़ गया, तो गवर्नमेंट का जो इश्यू है, गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो कम्प्लीट नहीं हो पाएगा। तो मतलब सीधी सी बात कहीं भी कहीं ना कहीं लीगल इश्यू सामने यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद में देखो एक प्लस पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे लिए यहाँ पे यही होता है कि देखो हमारी जो ऑयल के ऊपर निर्भरता है पड़ोसी देशों के साथ वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब हमें सारा ऑयल इम्पोर्ट वो बाहर से करना पड़ता है और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमें बहुत सा पैसा वो बाहर देना होता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो भी गड़बड़ा जाता है। इसके बाद में बात ऐसी, आपको जैसा अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस भी किया था कि ओपेक कंट्रीज ने एशियन प्रीमियम लगा दिया था तेल के ऊपर, जिसकी वजह से हमें पेट्रोल जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, वो काफी महंगा पड़ा था। इसके बाद में जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एडवांटेज है वो भी हमें मिल सकते हैं इससे। क्यों मिलेंगे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एडवांटेज? इस प्रकार मिलेंगे जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो यूएसए का। देखो यूएसए ने आपको पता है कि काफी बड़ी मात्रा में सेल गैस के भंडार खोजे थे और यूएसए में बहुत बड़ी मात्रा में सेल गैस के स्टोरेज हैं। अब अगर यूएसए सेल गैस का प्रोडक्शन बढ़ा देता तो उससे क्या होता, उससे होता कि बाकी जो और कंट्रीज हैं वो सेल गैस यूएसए से इम्पोर्ट करती और जो ऑयल के ऊपर निर्भरता है बाकी कंट्रीज की वो कम हो जाती। तो होता है इसका फलस्वरूप हो क्या रहा था एक्चुअली उस टाइम पे, सीन ऐसा हो रहा था कि जो ओपेक कंट्रीज हैं वो एक्चुअली यूएसए के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई बात ऐसी है कि आप ऑयल का जो सेल गैस है इसका प्रोडक्शन है वो कम कर दो ताकि हमें भी प्रॉफिट हो सके और आपको भी प्रॉफिट हो सके, क्योंकि अगर आप दाम बहुत कम कर दोगे तो हमें ऑयल में इतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी वगैरह कोलेप्स हो सकती है। तो मतलब एक तरीके से यूएसए के पास कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर आ गई थी, यूएसए ने अपने आप को इस तरीके से पावर के तौर पर यूज किया। इकोनॉमिक एडवांसेज को ऑब्वियसली होनी है कि हमारा काफी सारा पैसा बच जाएगा, हमें एनर्जी के लिए दूसरी कंट्रीज पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो काफी सारे फायदे हमें यहाँ होने वाले हैं। तो ये इस आर्टिकल में कंप्लीट डिस्कस किया गया कि सेल गैस के लिए जो हाइड्रोलिक जो फ्रैक्चरिंग मेथड है उसके क्या क्या फायदे हैं, कैसे हमारे लिए यहाँ पे इश्यूज वगैरह हो सकते हैं। बट राइटर भाई साहब का ये कहना है कि देखो जो रिस्क है ना वो बहुत ज्यादा है, अगर हमने इतना बड़ा रिस्क लिया तो हमें काफी सारा नुकसान भी यहाँ पे हो सकता है। ये राइटर के द्वारा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आया है वो आया है एशिया ऑर्डर के बारे में। कंटेक्स्ट कुछ ऐसा है कि अभी एशियन ऑर्डर है वो अभी चेंज हो गया है। देखो पहले सीन क्या चल रहा था, पहले थोड़ा बैकग्राउंड से देखते हैं। पहले सीन ये चला था कि यूएसए है वो इंडिया के पास, मतलब यूएसए और इंडिया दोनों मिलकर चाइना को काउंटर कर रहे थे, क्योंकि यूएसए का सिर्फ एक ही टारगेट था कि भाई कुछ भी हो जाए हमें चाइना को काउंटर करना है, क्योंकि यूएसए नहीं चाहता कि जो चाइना है वो सुपर पावर बने और ना ही वो इसकी इस बात को सहन कर सकता। तो इसलिए इंडिया ने यूएसए ने सोचा, सॉरी, कि भाई हम इंडिया के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि इस वाले क्षेत्र में हम चाइना को काउंटर है वो कर सकें। बट बात क्या हुई, अभी आपको बताया रिसेंटली ट्रंप ने क्या हथकंडे अपने, ट्रंप ने जो ही इलेक्शन जीते तो उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की बात की। तो इससे इंडिया को भी समझ में आ गया कि भाई यूएसए वो किसी का नहीं है, यूएसए सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। इसके बाद में बात आती है अभी रिसेंटली एग्जाम्पल आप ले सकते हो स्टील प्रोडक्शन का, कि किस तरीके से स्टील पे उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी वो बढ़ा दी, तो इससे चाइना को भारी नुकसान हो रहा है, जापान को और इवन इंडिया को भी नुकसान होने वाला है। तो ये बात सामने आ रही, इससे क्या चीज़ सामने आई कि भाई यूएसए किसी का भी सगा नहीं है और हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए इंडिया हुआ, चाइना हुआ, इसी के साथ जापान हुआ, ये सारी कंट्रीज एक साथ मिलके सामने आ रही हैं। मतलब जापान और चाइना के अलायंस है वो मिलके साथ आ रहे हैं, इसके साथ ही इंडिया और चाइना का रिलेशन है वो भी यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राइटर के द्वारा ये कहना है कि देखो इंडिया और जापान का एग्जाम्पल ले लो, चाहे इंडिया और चाइना का एग्जाम्पल ले लो, अगर ये सभी कंपनी सॉरी सभी कंट्रीज एक साथ मिलके आ रही हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि पूरे वर्ल्ड में एशिया को फायदा होने वाला है, क्योंकि अब एशियन सेंचुरी है आपको पता है किसी शताब्दी, और ऐसे माहौल में अगर ये चाइना हुआ,
इंडिया हुआ, जापान हुआ, ये आपको पता है कि एशिया की मेन इकोनॉमी है। अगर ये तीनों मिलके साथ आ रही हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इस चीज़ को फायदा एशिया को ही होने वाला है ऑल ओवर। तो इन तीनों कंट्रीज को ये बात समझ में आ गई है कि भाई हमें आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है, हमें एक्चुअली हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी हमें बेनिफिट है वो मिलने वाले हैं। अब देखो हम यहाँ पे एक चीज़ ये दिखने की कोशिश करेंगे कि चाइना और जापान एक साथ क्यों आ रहे हैं और इंडिया और चाइना एक साथ क्यों आ रहे हैं। देखो बात ऐसी है, चाइना और जापान इसलिए साथ आ रहे हैं क्योंकि वो दोनों स्टील का काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर हैं। अभी आपको उन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में स्टील वो प्रोड्यूस करते थे, जबकि यूएसए ने उनके ऊपर ड्यूटी वगैरह बढ़ा दी, तो उसकी वजह से उनका बिजनेस में, या आप बोल सकते हो कि उनको काफ़ी लॉस है वो होने लग गया, मतलब उनका एक्सपोर्ट वो प्रभावित हो रहा है। तो इसकी वजह से चाइना और जापान वो साथ आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट सबसे पहले रखे जाते हैं किसी भी कंट्री के लिए। इसके बाद में बात है वो की जाती है इंडिया और चाइना भाई वो साथ क्यों आए हैं। इसका देखो सबसे बड़ा फायदा ये है कि साथ आने का मेन रीज़न यही है कि देखो चाइना है वो बनना चाहता है सुपर पावर, बट चाइना को अब ये चीज़ पता चल गई है कि देखो इंडिया इतना भी कमज़ोर नहीं है कि हम इसको नेगलेक्ट कर सकें। और रही बात ये कि अगर हमें सुपर पावर बनना है तो सबसे पहले तो हमें एशिया में ही अपने आप को पावरफुल साबित करना होगा, और एशिया में पावरफुल तभी साबित कर सकते हैं जब हम इंडिया के साथ मिलकर चले। मतलब बात सीधी सी यही है कि चाइना को पता चल गई है इस बात का कि भाई डोकलाम से छोटे मोटे इशूज हैं उनसे कुछ नहीं होने वाला है, बॉर्डर इशूज वगैरह वो सब एक सेकेंडरी बात है, हमें फोकस करना चाहिए सबसे पहले हमारी सुपर पावर के आइडेंटिटी। अगर हम सुपर पावर बनना चाहते हैं तो हमें सभी कंट्रीज के साथ रिलेशन इंप्रूव करने होंगे और सबको साथ लेके चलना होगा। जब हम सबको साथ लेके चलेंगे तभी बोलते हैं ना कि यूनिटी में ही पावर है, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा और तभी चीज़ का हमें ज़्यादा रिजल्ट है वो मिलने वाला है। तो राइटर के द्वारा बताया जा रहा है कि देखो अभी इंडिया के प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी चाइना विजिट है वो की जाने वाली है, तो उससे काफ़ी सारे लेसन वो इंप्रूव होंगे और सभी मुद्दों पे डिस्कशन वो की जाएगी। तो ऑल ओवर बात यह है कि दोनों कंट्रीज इस दिशा में अग्रसर हो गई हैं कि भाई हमारे बीच में जो भी डिफरेंसेज हैं उनको हम खत्म करें और हम आगे की तरफ तरक्की करें, ना कि हम आपस में लड़ें। तो इस चीज़ की तरफ दोनों कंट्रीज वो कदम उठा रही हैं। इसके साथ चाइना हुआ और जापान हुआ, वो दोनों भी एक साथ लगातार अग्रसर हैं ताकि इस वाले एरिया में शांति हो सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो रास्ते हैं वो क्लियर हो सकें, तो इसके द्वारा कदम वो उठाए जा रहे हैं। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ये है कि भाई देखो अभी इंडिया में आपको पता है काफ़ी बड़ी मात्रा में दलित मूवमेंट है, जगह जगह पे उभर के आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो इश्यूज होंगे ना दलित मूवमेंट इतने बढ़ने के कारण। तो राइटर के द्वारा थोड़ा बैकग्राउंड से स्टार्ट किया जाता है कि भाई देखो अभी 2 अप्रैल को भारत बंद की बात थी, तो जगह जगह पे इस तरीके के नारे लगे, मतलब भारत बंद किया गया था, काफ़ी सारा प्रोटेस्ट किया गया था। तो एक चीज़ तो है कि कहीं ना कहीं दलित वर्गों में कहीं ना कहीं थोड़ा एक तरीके से गुस्से का माहौल है कि उनके साथ कहीं ना कहीं मतलब इक्वलिटी नहीं की जा रही है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। इस चीज़ को लेकर ऐसे मूवमेंट वो भी बढ़ रहे हैं। तो राइटर थोड़ा बैकग्राउंड से बता रहे हैं कि देखो 1757 से बात की जा रही है कि जब प्लासी के युद्ध में भी दलित ने उन्हें सपोर्ट किया था अंग्रेजों को, तब भी एक्चुअली वहाँ पे इंडिया में जो बोल सकते हो आप अंग्रेज रूलर हैं उन्होंने अपना कदम वो बढ़ाया और अपने पैर यहाँ पे गड़ा लिए। ऐसा क्यों हुआ, राइटर का ये कहना है कि देखो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन राइटर के द्वारा ये बताया जा रहा है कि उस टाइम पे हमारे देश में SC ST या हमारी सोसाइटी वो काफ़ी धर्म और जाति में बटी हुई थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि SC ST कम्युनिटी को ऐसा लगा दलितों को कि यार हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और हमें यहाँ पे तो वैल्यू दी नहीं जा रही है, तो क्यों ना हम एक्चुअली इन अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करें। और इसीलिए ये हुआ कि हमारे देश में फूट डालो राजनीति का कॉन्सेप्ट वो और ज़्यादा आगे बढ़ते गया और हमारा देश काफ़ी जगह डिवाइड भी हो गया था और अंग्रेज़ यहाँ पे रूल वो कर पाए थे। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दे देता है 1818 के टाइम का कि 1818 में भीम कोरेगांव जो बैटल हुई थी उसमें भी एक तरीके से किस तरीके से दलित की जो मेहर कम्युनिटी थी उन्होंने सपोर्ट किया था और यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब प्रोटेस्ट हुए थे, अंग्रेजों के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किए गए थे, अंग्रेजों के फेवर में भी प्रोटेस्ट वो किए गए थे। तो यहाँ पे राइटर का ऐसा बताना है कि देखो इन 2-3 हिस्ट्री के एग्जाम्पल से भी हम ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे और यह समझ सकते हैं कि भाई देखो इनकी नाराजगी वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी आप रिसेंटली देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट का जो SC ST एक्ट के में जो चेंजेस की बात है उसकी वजह से भी विद्रोह लोगों में इनमें मतलब एक तरीके से अराजकता वो बढ़ती गई है। इसके बाद गुजरात का एक केस है कि वहाँ पे एक दलित ने अपने आप को आत्मदाह कर लिया क्योंकि उसको जमीन वगैरह है वो प्रॉपर नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही थी। इसके बाद यूपी के केस को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, मतलब जगह जगह के केसेज हैं वो यहाँ पे सामने लाए जा रहे हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में कि भाई हमारे देश में अभी भी दलितों को ऐसा लग रहा है कि यार उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब उनको प्रॉपर राइट नहीं मिल रहे हैं और इसकी वजह से दलित मूवमेंट है वो इस तरीके की बड़ी मात्रा में मूवमेंट है वो होते जा रहे हैं। अब देखो बात यह है, राइटर का कहना है कि देखो जो भी आरोप सबसे बड़ा लग रहा है वो यही लग रहा है कि सरकार है ना वो प्रॉपर ढंग से फोकस नहीं कर पा रही है कि दलित की प्रॉब्लम है क्या और कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे एरिया हैं वहाँ पे दलित के खिलाफ शोषण हो रहा है, उनको काफ़ी तरीके से उनके साथ एट्रोसिटीज वो की जा रही हैं। तो मतलब हमें कुछ ना कुछ स्टेप तो उठाने होंगे ना। अब बात ऐसी है, यहाँ पे 2-3 पॉइंट आते हैं, ये मैं ऐसे वगैरह में पॉइंट आप इनका यूज कर सकते हो या किसी आंसर राइटिंग में। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि जो आज़ादी के टाइम पे जब भीमराव अंबेडकर ने कहा था तो वो पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाया, उस टाइम की बात है।
कि देखो हमारे देश में अगर दलितों का डेवलपमेंट करना है ना, तो इसलिए इसका दलितों का डेवलपमेंट करने से का मतलब यह नहीं है कि केवल आप उनको वोटिंग राइट दे दो। वोटिंग राइट देने से दलितों का डेवलपमेंट नहीं होने वाला है, उनको लॉ मेकर बनाना होगा। मतलब दलितों को इस लाइक केपेबल करना होगा कि वो अपने कानून वगैरह खुद बना सकें। देखो जब तक वो कानून बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना, तब तक जो बड़े और भी लोग हैं वो अगर जो कानून बना रहे हैं वो उनके राइट्स को छीन लेंगे। केवल वोट देने से आपके पास अधिकार नहीं आना है, आपको एक तरीके से लॉ मेकर बनना होगा। जिस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि बसपा है वो एक लॉ मेकर थी, क्योंकि बसपा आपको पता है कि सत्ता में आई थी यूपी में 2007 में, तो वहाँ पे किस तरीके से मतलब उन्होंने दलितों को लगा कि हाँ यार हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हमें कुछ फायदा हो रहा है। बट उसके बाद अभी लगातार एक तरीके से बसपा का थोड़ा पतन सा होता जा रहा है, तो मतलब दलितों में शोषण सा आ रहा है कि यार हमें देखो हमारे खिलाफ सही काम नहीं हो रहे हैं, हमें एक्चुअली रिसेंटली गवर्नमेंट है जो पास्ट गवर्नमेंट है वो हमें एक तरीके से सप्रेस करना चाह रही है। तो वो सारे कहीं ना कहीं एक तरीके से नफरत का माहौल सा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। इसके बाद में एक लाइन थी वो थी कि इकोनॉमिक इक्वलिटी है ना, इसके साथ हमें पॉलिटिकल इक्वलिटी की भी जरूरत है। देखो हमें इकोनॉमिकल रूप से तो इक्वल रखना ही होगा हमारी सोसाइटी के सभी तबकों को, इसके साथ में पॉलिटिकली इक्वलिटी की भी जरूरत है। मतलब हमें आर्थिक समानता के साथ साथ पॉलिटिकल जो है राजनीतिक समानता है उसको भी लाने की जरूरत है। जब दलितों का राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ेगा, राजनीति में उनका दबदबा बढ़ेगा, तभी वो लॉ मेकर बनेंगे और तभी वो एक तरीके से इकोनॉमिक इक्वलिटी में अपना योगदान है वो निभाएंगे। तो ये कुछ यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हैं जिनका आप यूज एग्जाम में कर सकते हो। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।